जिले के सरिया थाना क्षेत्र के नावाडी स्थित अल्लाउद्दीन अंसारी के बाउंड्री में मिली लाश से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो पा रहा है। चूंकि व्यक्ति का चेहरा बहुत बुरी तरीके से कुचला हुआ है, जिसके बगल में एक पत्थर भी दिख रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस पत्थर से व्यक्ति का चेहरा पत्थर से कुचलने के प्रयास किया गया है। मौके वारदात पर सरिया पुलिस इंस्पेक्टर आर.एन. चौधरी सदलबल पहुंचकर मामले की खोजबीन की। इन्होंने कहा कि पहली दृष्टया से ये पता चलता है कि इसे मार करके फेंका गया है। उसके पास से एक थैला भी मिला है जिसमें झाड़ फूंक के कुछ सामान मिला है। फिलहाल मृत व्यक्ति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। गिरिडीह से दीपक कुमार की रिपोर्ट। नवाडी गांव के अलाउद्दीन अंसारी के कोठी के पश्चिम में पाया गया है। बॉडी देखने से ऐसा लगता है कि कहीं से बाहर से हत्या करके लाकर यहाँ फेंका गया है। यहाँ हत्या का कोई चिन्ह ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बॉडी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कई लोगों से पहचान कराया गया है। बॉडी की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और बाकी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोगों के क्षेत्र में अचानक हमारे ग्रामीणों ने फोन कर इस तरह का सूचना दिए और आज जब हम लोग स्थल पर पहुंचे तो एक अज्ञात लाश मिली, जिसको हम लोगों ने प्रशासन को जानकारी दिए हैं। और आज इस मौसम में इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस तरह का घटना हो जाना ये बहुत शोभनीय चीज़ नहीं है। इसको खेद करते हुए हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस पर पहल करें और जो ये घटना का जो अंजाम दिए हैं उसको पकड़ने का कोशिश करें। बोलिएगा, ये अभी अभी हमको मिली जानकारी के अनुसार हमने कहीं से यात्रा में गए थे आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, तो हम वहाँ से अभी तुरंत तर कपड़ा ही खोल रहे थे, तब तक अलाउद्दीन अंसारी जिसका ये ज़मीन है, जिसका ये कैंपस है, उन्होंने खबर किया। हम उसी के बाद पर हमने तुरंत कहा कि मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ और हम तुरंत देखे, वहाँ लोगों से जानकारी भी कराया कि वहाँ कौन लाश पड़ा हुआ है। हमने आके देखा, बहुत सारे ग्रामीण यहाँ जमा हो गए हैं और ये घटना बहुत दुखद है। अभी लाश का पता नहीं चल रहा है किसका है। हमने थाना को सूचना दे दिया है, थाना प्रभारी भी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अब इसका शिनाख्त होगी तभी जानकारी हो पाएगी कि ये कहाँ की लाश है। आप प्रेस बंधु भी आ चुके हैं, अब इसका